मेरी ज़िंदगी की राह यूँ आसान नहीं होती, ना होता साथ मेरे अगर ये कारवां, तो मेरी इस कदर कोई शान ना होती। मेरा सब कुछ है मेरे गुरु की बदौलत, अगर गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मेरी कोई पहचान ना होती, मेरी कोई पहचान ना होती। ये दो पंक्तियाँ मैं उन सभी गुरुजनों को, ज्ञानी विज्ञानी अनुसंधानी शिक्षकों को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, जिनका तन मन यहाँ तक कि धन भी विद्यालय को अर्पित है, बच्चों को समर्पित है। ऐसे सभी शिक्षकों का सत सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि इनसे ही विद्यालय के चमन में अमन है। आज हम सूचना क्रांति के जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पर 2G और 3G गुजरे ज़माने की चीज़ हो चुकी है, और वर्तमान में 4G और 5G आ गए हैं, और भविष्य में 6G 7G ना जाने कितने जी आएंगे, पर दुनिया का काम 3G के बिना नहीं चल सकता, माता जी, पिता जी और सबसे महत्वपूर्ण गुरु जी। इसलिए माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके इरादों और उम्मीदों पर कभी पानी फेंकना चाहिए। और गुरुजी उनके लिए तो हम यही कहते हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके सामने हम जितना ज़्यादा झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। जैसे कुएं में उतरने वाली बाल्टी जब बाहर निकलती है तो पानी भर करके निकलती है, ज़िंदगी का भी यही गणित है कि जो जितना झुकता है भला करता है उसको उतना ही लाभ होता है, क्योंकि भला को उल्टा लाभ होता है। इसी तरह से कोई व्यक्ति जितना दूसरों के ऊपर दया करते हैं उनको उतने ही लोग याद करते हैं, क्योंकि दया को उल्टा याद होता है। और हम गुरुजनों का काम तो उस मूर्तिकार की तरह है जो पत्थर को तराश करके एक सुंदर मूर्ति तैयार करता है, ऐसे ही हमें उन बच्चों के अंदर के अवांछनीय चीज़ों को निकाल कर एक अच्छे मूर्ति की तरह समाज को देने की एक महती जिम्मेदारी होती है। एक बार किसी मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपने इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई, तो मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति और उसका सुंदर रूप तो इस मूर्ति में पहले से ही मौजूद था, मैंने तो केवल अवांछनीय पत्थरों को उसमें से हटाया है। ठीक इसी तरह से किसी व्यक्ति के अंदर असीमित संभावनाएं और प्रतिभाएं मौजूद रहती हैं, जरूरत है केवल उसके शरीर के अंदर से अवांछनीय चीज़ों जैसे लोभ, ईर्ष्या, लालच, ईगो को जैसे अवांछनीय चीज़ों को दूर करने की। और ये गुरुओं और शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो विद्यार्थियों के अंदर के इन्हीं अवांछनीय चीज़ों को बाहर निकाल करके समाज को एक सुंदर मूर्ति प्रदान करें। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप, तो शिक्षक ने बहुत सुंदर जवाब दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नव सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची मिट्टी से ताज बनाता हूँ, ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती नमाज बनाता हूँ, ना मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन से नई रिवाज बनाता हूँ, नजुमे ज्योतिषी छोड़ दो तकना तारों को तुम, है जो आने वाला कल उसे तो मैं आज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नव सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, मैं नव सीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ।